स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है। बता दें इंदौर में संघ की बड़ी बैठक, बीजेपी संगठन सरकार में समन्वय को लेकर यह बैठक हो रही है। संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ले रहे ये बैठक। बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। तो देखिए बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर किए जाएंगे बड़े फैसले। बता दें चार प्रांतों में प्रांत प्रचारक भी बैठक में शामिल है इस वक्त की बड़ी खबर। मालवा, मध्य प्रदेश, महाकौशल, छत्तीसगढ़, चारों के प्रांत प्रचारक जो है वो मौजूद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी संगठन सरकार के समन्वय को लेकर ये बैठक हो रही है। संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ये बैठक ले रहे, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद है। तो देखिए बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी बता दें शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर बड़े फैसले भी आज किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, ये भी जानकारी दे दें कि शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज इस बैठक में तमाम बड़े जो फैसले हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें संघ की बैठक एहतियात शेख ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एहतियात, देखिए बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शाम को इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल इस बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए सिमरन, निश्चित ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी कही जा सकती है कि संघ के चारों प्रांत के जो पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी यहाँ मौजूद रहेंगे। शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। देखिए 23 और 24 जो है वो चुनावी साल है। फीडबैक की बात की जाती है तो संघ की तरफ से ये कहा जाए कि पूरा फीडबैक लिया जाएगा, जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले वक्त के लिए जो रणनीति है उसके ऊपर ये कहा जाए कि मेजर फोकस किया जाएगा। इस बैठक के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर ये कहा जाए कि आज चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद में जिस तरीके का जो निचोड़ निकलता है उस पूरे मामले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है वो आगे की जाएगी। मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चार प्रांतों के प्रांत प्रचारक हैं, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़, इनके प्रांत प्रचारक यहां मौजूद है इस बैठक के अंदर। बड़े नाम यहां पर मौजूद नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव आज यहां मौजूद है। मध्य प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी यहां मौजूद है। वीडी शर्मा यहां मौजूद है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल यहां मौजूद है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी यहां मौजूद है और क्षेत्रीय प्रचारक मध्य क्षेत्र के दीपक विस्पुत है वो यहां मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो आज यहाँ इस बैठक के दौरान चर्चा और परिचर्चा रहेगी, जिसके अंदर आने वाली जो रणनीति है उसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कशन होगा, फीडबैक्स लिए जाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, इस पूरे मामले के ऊपर आज इंदौर के अंदर ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ शाम को पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा रहेगी और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा होती रहेगी और आने वाले समय का जो एनालिसिस है उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप देखिए आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव है, इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और देखिए ये भी उम्मीद जताई जा रही है इस बैठक में तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए सिमरन हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ये कहा जाए, अगर हम सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एनालिसिस होगा, फीडबैक होगा, रणनीति यानी जो ये कहा जाए कि वे पॉइंट बनाया जाएगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि जो संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं इस पूरे बैठक के दौरान ये निष्कर्ष निकाला जाएगा और उस निष्कर्ष के बेसिस के ऊपर आने वाले समय की जो रणनीति है या जिसको हम रोडमैप कहते हैं वो रोडमैप तैयार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
तो बता दे आज बड़ी बैठक होने वाली है,